हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के आइकन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो माई फ्रेंड्स, मैं रवि रावत आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोबाजी में। आज हम बात करने वाले हैं बिटलॉकर के बारे में। बिटलॉकर क्या होता है, इसे कैसे किसी भी ड्राइव पर लगाया जाता है, हटाया जाता है, बिटलॉकर के फीचर को कैसे मैनेज किया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे और वो भी प्रैक्टिकल करके। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल चीज आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिटलॉकर क्या होता है। दोस्तों, बिटलॉकर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ऐसा प्रोटेक्शन टूल है जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और आपकी जो ड्राइव होती है उसे लॉक कर देता है पासवर्ड के थ्रू, ताकि आपका डेटा कोई भी एक्सेस ना कर सके, आपके डेटा पर अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी एडिशंस के साथ आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप विंडोज विस्टा या विंडोज 7 काम लेते हैं तो उसके आपको अल्टीमेट और एंटरप्राइज एडिशन के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। और 8.1 और विंडोज 10 अगर आप काम लेते हैं तो आपको इसके एजुकेशन वर्जन, एंटरप्राइज वर्जन और प्रो वर्जन के अंदर आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किसी भी ड्राइव पर बिटलॉकर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ विंडोज 10 का प्रो एडिशन और यहाँ पर मैं मेरे सिस्टम के एक हार्ड ड्राइव के पार्टीशन को बिटलॉकर से प्रोटेक्ट करूंगा। तो जिस भी ड्राइव को मुझे लॉक करना है उसके ऊपर मुझे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो टर्न ऑन बिटलॉकर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही हमें ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, हमें हमारा यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देना है, दो बार टाइप करना है। और पासवर्ड टाइप करने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना रखा है तो आप इसकी जो की है, रिकवरी की है, उसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर सेव कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी USB ड्राइव पर सेव कर सकते हैं और या फिर आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्चुअल प्रिंटर के थ्रू इसे प्रिंट करने वाला हूँ। ये जो रिकवरी की है जो जिसे हम सेव कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस रन होगा और हमारी ड्राइव इनक्रिप्ट होने लग जाएगी। और इसे इफेक्ट में लाने के लिए हमें हमारे सिस्टम को करना होगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे, सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो ड्राइव है ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करना है हमें हमारा पासवर्ड जो हमने पासवर्ड के टाइम पे दिया था। यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। हमारी ड्राइव ओपन हो जाती है। चलिए देखते हैं कि हम बिटलॉकर के इस प्रोटेक्शन को कैसे हटा सकते हैं। तो जिस भी ड्राइव पर हमने बिटलॉकर लगाया है उस पर राइट क्लिक करना है, मैनेज बिटलॉकर पे जाना है और वहां पर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिले। ऑप्शंस में से हमें चूज करना है रिमूव बिटलॉकर और उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोटेक्शन रिमूव होने लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हमारा पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में काम आएगी हमारी रिकवरी की जो हमने पहले वर्चुअली प्रिंट की थी। डबल क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड पूछेगा, हम पासवर्ड भूल चुके हैं, तब ऐसी सिचुएशन में हमें हमारी रिकवरी की को काम में लेना होगा। अब हम वहां जाएंगे जहां पर हमने हमारी रिकवरी की को प्रिंट किया था, वहां से इस रिकवरी की को करेंगे कॉपी और इस ऑप्शन में जहां पर रिकवरी की मांग रहा है वहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ही हमारी ड्राइव ओपन सक्सेसफुली हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि अगर किसी कारण से हमें हमारी विंडोज को फॉर्मेट करना पड़े और किसी दूसरे पार्टीशन के अंदर हमने किसी ड्राइव को बिटलॉकर से लॉक कर रखा है तो ऐसी स्थिति में
BitLocker Drive का क्या होगा। तो चलिए हम विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर लेते हैं और विंडोज़ 10 हम प्रो एडिशन ही दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोसेस कर देता हूँ विंडोज़ के इंस्टॉलेशन का। हमारी विंडोज़ 10 रीइंस्टॉल हो चुकी है, तब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी BitLocker से इनक्रिप्टेड ड्राइव का क्या हाल है। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं हम, ये पासवर्ड पूछ रहा है, हम हमारा पासवर्ड टाइप करते हैं और देखते हैं ये एक्सेस हो जाती है। इसका मतलब विंडोज़ फॉर्मेट करने के बाद भी हम हमारे पुराने पासवर्ड के थ्रू ही हमारी BitLocker से इनक्रिप्टेड ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम एक और प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब हम हमारी USB स्टोरेज को BitLocker से प्रोटेक्ट करते हैं और इसे चेक करेंगे ऐसे सिस्टम पर जिसकी विंडोज में BitLocker की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर हम हमारी USB की डिवाइस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं विंडोज 7 के प्रो एडिशन पर। तो हम विंडोज 7 के प्रो एडिशन पर आ चुके हैं। ये देखिए, मैं यहां पर प्रैक्टिकल के लिए यूज कर रहा हूं विंडोज 7 का प्रो एडिशन। कंट्रोल पैनल पर जाके आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर BitLocker की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। BitLocker का फीचर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के प्रो एडिशन के अंदर नहीं आता है, 7 के प्रो एडिशन में नहीं आता है। चलिए हम इंसर्ट कर देते हैं हमारी USB पेन ड्राइव को। और देखते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी प्रोटेक्टेड दिखा रहा है हमारी BitLocker ड्राइव को। तो इसे हम एक्सेस करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि ये पासवर्ड मांग रहा है। तो हमें हमारा पासवर्ड टाइप करना है। ये हम हमारा पासवर्ड टाइप कर देते हैं और जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो पेन ड्राइव है, USB डिवाइस है, वो ओपन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऐसे सिस्टम से प्रोटेक्ट की हुई डिवाइस को जिसमें BitLocker की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, अगर हम उससे किसी डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं और किसी ऐसे सिस्टम पर एक्सेस करते हैं जिसमें जिसके विंडोज के एडिशन में BitLocker की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो भी हम हमारी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं।